पॉइंट नंबर 8, सुनन अबी दाऊद में डिटेल के साथ यह हदीस है और सही बुखारी और मुस्लिम में भी इसका इशारा मौजूद है कि सैयदना बिलाल जब अजान दिया करते थे तो हैया अलस सलाह और हैया अलल फलाह पर दाएं और बाएं अपनी गर्दन मोड़ा करते थे, यो हैया अलस सलाह पर दाई तरफ लेकिन सिर्फ गर्दन, उसमें साथ मौजूद है सीना नहीं फेरते थे, सिर्फ गर्दन, ये पूरा नहीं फेरना, यूं सिर्फ गर्दन फेरनी और इस तरीके से। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत से साबित है। सुन्नत से मुराद यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम फरमा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान देना साबित कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान देना साबित नहीं, तालीम फरमाना साबित है। इसमें एक बात नोट कर लीजिए कि सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश वाले दिन हैया अलस सलाह की जगह तालीम फरमाया करते थे, अस्सलातु फिर रिहाल, के नमाजें नमाज अपने घरों में पढ़ लो, या सल्लू फी बुयूतिकुम, नमाज अपनी घरों में ही पढ़ लो। ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में, बल्कि सही बुखारी और मुस्लिम में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं बारिश हुई तो उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट करवाई और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुम्मे के दिन बारिश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंसमेंट की कि घरों में नमाज पढ़ दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि तुम मस्जिद में आते वक्त कीचड़ और मट्टी का शिकार हो जाओ, इसलिए घरों में नमाज पढ़ लो। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा ये पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि सवाए अहले सुन्नत में से अहले हदीस मकबे फिक्र के और कोई सुन्नत पर अमल नहीं करता। मैं देवबंदियों और बरेलवी उलमा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बारिश के दिन इस सुन्नत पर खुसूसन गांव एरिया में तो अमल करें, शहरों में ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें साथ मौजूद है कि कीचड़ और मट्टी से बचाने के लिए था। तो चूंकि हमारी गलियाँ तो पक्की हैं, सड़कें मौजूद हैं, लिहाजा अगर कोई मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना चाहता है तो ठीक है, लेकिन सुन्नत पर अमल करते हुए अगर यहाँ पर भी कोई बोलेगा तो इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा।